बेवफा माशूक आशिक को खंबे पे चढ़ा दिया, मोहब्बत का ये सिला दिया, अरे खुदकुशी के तीन तरीकों में फंसा दिया, धमका, बिजली का खंबा, ये कुआं। लोग हीरे की कनी खा के खुदकुशी करते हैं, मैं झुमका निकल के खुदकुशी करूंगा, बिजली का तार पकड़ के यही भुन के खंबे से चिपट जाऊंगा, या कुएं में छलांग मार के अपनी जान दे दूंगा। बोल, अरे चबूतरा हो गया? नहीं, चबूतरा है लेकिन लेकिन हो सकता है मेरी खुदकुशी के बाद यही चबूतरा कुआं बन जाए। जल्दी फैसला कर, झुमके 9 लाख के हैं। 9 लाख? अरे शादी गई बाढ़ में, और शुदा भी। अरे कोई शोदा समझा है, गुंडा समझा है, बदमाश समझा है? अरे आशिक हूँ बहारों का गुलबदन, या तो ये झुमके तुम्हारे कान में होंगे या हमारी जबान में होंगे। मैं डरती हूँ। डरती हूँ? डरती हूँ का मतलब ये हुआ कि तुमसे प्यार करती हूँ। अरे गुलबदन, अब तो हम तुम्हारे लिए पहलवान से लड़ सकते हैं, आसमान पर चढ़ सकते हैं, और अगर तुम कहो तो तुम्हारी खोली की पिछली दीवार पर चढ़ सकते हैं। मगर ये बताओ कि तुम्हारे अब्बा जान कितने बजे सोते हैं? मैं सोए, जमाना गुजर गया। अरे सोने दो ने, साउंड बॉक्स जलाने से मर्दाना कैसे हो गया? ये आवाज बदल कैसे गई? अभी तो आवाज ही बदली है, अब मैं तुम्हारा नक्शा भी बदलती हूँ। समझ गया। अरे बेगम, तुम इतनी बड़ी उम्र तुमने क्यों पाई है? मेरा मतलब यह है कि तुमने कितनी बड़ी उम्र पाई है। अभी अभी मैं तुम्हारा ही जिक्र कर रहा था, पूछ लो बच्ची से। बोल बच्ची। बिल्कुल छू। हसीना, ये तो मुझे ही झुमका पहना रहे थे। अरे क्यों मुझे टोपी पहना रही है? अरे ये झुमका मैं इससे पसंद करवा रहा था तुम्हारे लिए। अरे ये बुटकी, जहर की चुटकी तुम्हारा घर उजाड़ना चाहती है, तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है, समझो? जी नहीं, मैंने ही इसे भेजा था, ये मेरी सहेली है। सहेली? ये कैसी पहेली? ठहरा बताती हूँ। क्या? जब पल दाऊद के जूते हिस तो सकते हैं लेकिन फट नहीं सकते। अरे पकड़ गुलबदन। अरे हट, ले झुमका, नहीं नगीना को दूंगा। अरे भागते कहाँ हो? जान बची, लाखों पाए दाऊद के जूते छू ना पाए। अरे तुम कैसे आए? साहब बड़ी मुश्किल में फंसे हुए हैं। अरे मुसीबत में मैं भी फंसा हुआ हूँ। अरे कहाँ मर गए? अरे लगता है दिन भर गए। चलो यहाँ से, चलो, चल यहाँ से। हाय, उठ गई किस्मत। और न जाने आप कौन सी हसीना को झुमके पहना रहे होंगे। जाने भी दीजिए बाजी, आप तो यूं ही वहम करती हो। अरे तुम नहीं जानती, उनके पास और भी बहुत से दाव हैं। दाव तो जबरदस्त चला है बूढ़े ने, अरे खून की पुकार तक नहीं सुनी, मगर हम भी किसी से कम नहीं। वसीयत नामा लिख के गया है कि शादी करवा दो तो शादी करवा दो। अरे किसी चुनिया से करवा दो, गुड़िया से करवा दो, गुड़िया से करवा दो। अरे तो गुड़िया तो बेजान होती है। अरे तो किसी जानदार बुढ़िया से करवा दो। बुढ़िया से? बुढ़िया? अरे मिल गई जादू की पुड़िया, झूला जल्दी झूला। उस्ताद, राज बुढ़िया के साथ शादी नहीं करेगा। अरे नहीं करेगा तो मरेगा, माया को माया कैसे मिलेगी? बुढ़िया से नहीं तो किसी जवान से करा दे, मगर वो बीमार होनी चाहिए। राजा जी, राजा जी, कसम फूकने की, बड़ी खुजली है, पहले मेरी दाढ़ी बना लो। हम 2 घंटे से यहाँ बैठे हैं। कितने सेकंड लगेंगे जी? अबे 1.5 घंटा लगेगा। 1.5 घंटा? 1.5 घंटा लग जाएगा ना, काम हो जाएगा मेरा, कोई फिक्र नहीं, 2 घंटे लगाओ। अच्छा, ये रोज आता है, टाइम पूछ कर चला जाता है, फिर पलट कर नहीं आता। ये बात है, है? तो आज मैं तरमनाल देख ही लूं ये किधर को जाता है और किधर को आता है। तू बड़ा चालाक है। अरे मेरी चालाकी तो शादी के बाद मालूम होगी। चालाकी? बापू आ गया। बापू आ गया? हाँ। अब बात बता। क्या? ये सुनार का बच्चा रोज तेरे बापू की दुकान पर दाढ़ी बनवाने के बहाने से जाता है,
अच्छा हाँ, और वहाँ जाके वक्त लेके तरमनल वापस नहीं आता। अच्छा, पता नहीं किधर को जाता है। गल सुन, तू बता सकती है किधर को जाता है? मुझे क्या मालूम, मुझे क्या, यहाँ नहीं आता। नहीं मालूम बाबू क्या तू आ जा। अरे 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 आस्ते आस्ते आस्ते, ये ले पानी 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 पानी। अरे हाफता क्यों है, कुछ पता चला? हाँ, क्या छजूराम जी? हाँ जी। आता है दुकान से, हाँ जाता है मकान में। किसके? तुम्हारे। मेरे? कैसे? ये फूकनी आपके घर में मिली तरनाल। अबे सुनार के बच्चे, मैं तेरा गला घोट दूंगा, मैं तेरा गला घोट दूंगा। ओए पैरी पैणे वकील साहब। ओ जोगिंदर साहब आओ जी, आइए आइए, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। अरे बड़े मौके पर आए हो जोगिंदर बेटा। ओए जप्पी के साथ पप्पी भी ले ली है। ओए गले तो आखिरी वक्तों में मिलते हैं, ते मुझे फांसी तो नहीं होने वाली, ले दे के। अरे बेटा फांसी हो तेरे दुश्मनों को, मैं तो कल की तारीख में तुम्हें छुड़ा लाऊंगा। ओए लेकिन तुम जानते हो ना, इधर उधर कुछ छिड़कना पड़ता है। फिर पैसे चाहिए। तुम्हें कैसे मालूम? ओए 7 साल से साढ़े साथी की तरह तू मेरे पीछे लगे हुआ है। ओ जालिम, जब तू पैसे मांगने वाला होता है ना, तो तेरे बदन से एक बदबू आती है। अरे खुशबू आ रही है, आज तो मैं लेवेंडर लगा कर आया हूँ। ओए पर मेरे पे कैमेंडर बिक गए ना, और मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं हैगी है। फूटी कौड़ी नहीं है लेकिन बेटा, तुम्हारे पास एक ट्रक तो बची हुई है ना। ओए ओए ओ, मैंने नहीं बेचना है, वो नहीं बेचना है। अरे ना बेच, तुम्हारी मर्जी, लेकिन याद रख 12 साल की जेल होगी। ओए नहीं, क्या हुआ? ओही जो तू चाहता था, आ गया ऊंट पहाड़ तले ले दे के। ला किधर है तेरे वो बने बनाए एग्रीमेंट? शाबाश बेटा शाबाश। ये लो कलम, ओए कलम नहीं, ये तो चाबा है। ये लो कलम, मालूम है लक्की कलम है। कितना लक्की है, मैं समझ गया बात बेटा। तुम्हारी ट्रक बेचकर मुकदमे के पैसे मैं रख लूंगा, और बाकी पैसे तुम्हें दे दूंगा। वही लिखा है, तुम्हें आइंदा मेरी फीस देने में तकलीफ ना हो। तीजा ट्रक बेटा, मैं तुम्हारी तीसरी ट्रक बेच कर अभी आता हूँ। जानकी राज, तू मेरी जान को पै गया है, तेरा सत्यानाश हो जाए। ओए ओए क्यों, तीसरा ट्रक भी बिक गया? ओ आप वकील साहब की माताजी हैं क्या? मैं तुम्हें माताजी दिखती हूँ? मैं तो उनकी बेटी हूँ। ओ माफ करना, जिस तरह 7 सालों में तुम्हारे बाप ने मेरे मुकदमे को राई का पर्वत बना दिया है, उसी तरह इन 7 सालों ने तुमको बेबी से बेबे बना दिया है। और इन्हीं 7 सालों में तुम्हें देखते देखते मेरे नन्ने मुन्ने दिल की कली खिल कर फूल गई है। अगर तुम चाहो तो ये तीनों के तीनों ट्रक तुम्हारे हो सकते हैं। वो कैसे? डैडी ने ये ट्रक बेचे थोड़ी है, बल्कि खुद खरीदे हैं, और वो भी मेरे नाम पे। मुझसे शादी कर लो, ये तीनों के तीनों ट्रक तुम्हारे और मैं भी। ओए उधर मेरे 3 ट्रक और इधर ये ट्रैक्टर। अरे हट हट, सोच लो, यही ट्रैक्टर तुम्हारे तीनों के तीनों ट्रक खींच लाएगा। ओए इस वक्त तो तुम मेरा हाथ खींच रही है। जोगिंदर प्यारे, हो जा हमारे। ओए दिन में दिखा रही है तारे। ओए ओए छोड़, ओए कलाई मेरी, ओए कलाई, ओए 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 मेरी आस टूट गई। मूर्ख नारी, रोक अपने हाथ को, कहीं ऐसा ना हो कि यज्ञ इसे चलाने के बजाय यमराज यमराज नहीं, यमराज कुमार,
यमराज तो टूर पर गए हुए हैं। कहाँ गए हुए हैं? टूर पर। परंतु महाराज, मेरी बेटी डाकुओं के घर रहकर आई। ये झूठ है, आप देवता है, आप तो मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं पवित्र हूँ। हाँ हाँ, हम जानते हैं तुम पवित्र हो, डाकू का डाका तुम पर नहीं पड़ा। दीन दयाल, जाओ जरा बालिका को खोल तो दो। और तुमको तो हम लेने आए हैं, क्या करने आए हैं? लेने आए हैं महाराज, लेकिन महाराज मेरी मृत्यु तो सुशु की शादी के दिन है ना। लेकिन तू तो आज ही सुशु को जलाकर खुद हमेशा के लिए अमर हो जाना चाहती थी। अरे जैसे ही हमको ये न्यूज यमलोक में मिली, हम पहले ही भैंसा पकड़ कर यहाँ आ गए। जानती है, तुझे काटने के लिए नर्क के सांप सपोली और बिच्छू तल मरा रहे हैं। महाराज अगर जाना ही है तो ऐसा कोई उपाय नहीं कि नर्क के बजाय स्वर्ग में जा सकूं? नहीं नहीं नहीं, कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ता है। आज तक तू स्वर्ग में रहती आई हो, अब नर्क में जाने की बारी है, हो भी क्या सकता है। तुम दोनों का इतना अच्छा प्रेम देखकर हमारा दिल पिघल रहा है और उसमें से एक उपाय निकल रहा है। अगर तुम दोनों अपनी कन्या का विवाह तुरंत कर दो तो हम इसके लिए नर्क के दरवाजे बंद करवा कर स्वर्ग की खिड़की खुलवा देंगे। क्या खुलवा देंगे? खिड़की खुलवा देंगे। किंतु महाराज, शादी होगी किससे? बताते हैं बताते हैं, तुम कुंवारी हो, हमारी हो, हमारे पास आओ, आ जाओ। चढ़ जा बेटी, चढ़ जा बेटी, भैंसे पे भली करेंगे राम। आ जाओ, डरो नहीं, बिल्कुल नहीं डरो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब हम तुम्हारे मन के दर्पण में तुम्हारे प्रेमी की छवि देखेंगे। क्या देखेंगे? छवि देखेंगे, छवि देखेंगे। दिखाओ दिखाओ। जगजी नाम के युवक से तुम्हारा संयोग होगा। सुलेमान महाराज, उस लफंगे से, मेरे जाने दुश्मन से, इसकी शादी महाराज किसी कुत्ते बिल्ले से करवा दीजिए, लेकिन उस उल्लू के पट्टे से नहीं। जच्चा, क्या बकते हो? बेटी जरा तुम हमारे भैंसे के लिए अपने तबेले में से थोड़ी सी घास ले आओ। जो गया महाराज, जाओ जो गया, हरी घास लाना। बेटे दीन दयाल, तुम हमारे पास आओ, आ जाओ। आ गया महाराज। हम तुम्हें एक भेंट की बात बताते हैं। जब हम तुम्हारे घर की तरफ आ रहे थे तो एक मोड़ पर हमारी भेंट धन की देवी लक्ष्मी छाया से हो गई। वो तुम्हारा पता पूछ रही थी। क्यों महाराज? बेटे तुम्हारे किस्मत का सितारा चमक गया है, तुम्हारे नाम पर 2,00,000 रुपए की पर्ची बट चुकी है। क्या हो चुकी है? बट चुकी है महाराज। लेकिन कब? जब इस कन्या का विवाह होगा तब, जब दोनों माँ बेटियां घर से बाहर, 2,00,000 रुपए घर के अंदर। जगदी सुसु भजनम भजनम, लक्ष्मी परवेशम परवेशम। मंजूर है महाराज, अग्गी जग्गी भग्गी, मुझे सब मंजूर है महाराज। ये घास। शाबाश बेटी, तुमने हमारे भैंसे की बहुत सेवा की, हमारा भैंसा बहुत खुश हुआ। क्यों जी भैंसे जी? सुन, जल्दी से जा और भरत ठाकुर को बोल दे कि थानेदार मेरी दुकान में जबरदस्ती घुस गया है और पी के दूध है। अरे ऐसे गुस्से वाले थानेदार के खिलाफ बोल के अपनी बोलती बंद करनी है क्या? अबे इसमें डरने की क्या बात है, देखता नहीं पी के दूध है? नहीं 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 नहीं, 2 रुपए पकड़, चक्रे मत कर, जल्दी से जा। नहीं, 2 रुपए इसने दिए, तुम ले लो, तुम ले लो। रोटी के लिए भेज, रोटी के लिए भेज रहा था सरकार, रोटी के लिए। साले, रात बिरात डाकू का नाम नहीं लेते, डाकू के कुत्ता। हाथ ऊपर, हाथ ऊपर, खोपड़ी फूट गई। बने रहो सालो, इसी तरह सुबह होते ही गांव वालों को भी पता चल जाएगा कि मैं डाकू के कुत्तों का क्या हाल कर रहा हूँ। सुबह होते ही मैं ठेकेदार तुझे जिंदा कर दूंगा। तो क्या बात साले, मैं तुझे जलाकर तेरी राख को काटूंगा।
मर गए। अरे शराबी थानेदार कहीं नशे में आके अपने घर को आग नहीं लगा दे रहे। अबे जिंदा आग में जलवाएगा। अबे अगर कल सुबह तक जिंदा बच गया तो कल सुबह से तेरी नौकरी नहीं करूंगा। हरामजादो, अब बुलाओ अपने बाप उस भरत डाकू को। हिम्मत है तो आ जाए, बैठा हूं जहां मैं। आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहे हो? देखती हूँ तुम्हारी हिम्मत थानेदार, चलो बाजार में। बाजार में क्यों? अच्छा तो सवेरा होते ही शराब की धुन की निकल गई। तुमने कहा नहीं था कि भरे बाजार में मुझे नंगी करोगे? ठीक ठीक ठीक, लड़कियों के कैसी गंदी गाल करती हैं आप। मैं गंदी गाली दे रही हूँ? इस गाँव में बहु बेटियों की इज्जत लूटने के लिए डाकुओं की कमी थी जो पुलिस में आ गई है उनका हाथ बटाने के लिए। आप खाम खा गलत समझ रही है मुझे। अब मुझे क्या मालूम था आप वो है? आप तो बड़ी अच्छी लड़की है। मैं तो ये भी जानते हो गांव में आकर डाकुओं की खबर लेने की बजाय लड़कियों की खबर लेने लगे। ओफो बड़ी अजीब लड़की हैं आप। उस दिन भी? उस दिन क्या? उस दिन कैसे? उस दिन रात को, कल रात की बात है। वो ठेकेदार है ना, बड़ा हरामी आदमी है, उसी ने मुझे आपके खिलाफ भड़काया। मुझे आ गया ताव और मैं ताव में आकर बोल गया। अच्छा तो आप समझी कहा वो कमीना। मैंने बांध के रखा अंदर साले को। क्या करके रखा? बांध के रखा अंदर। जय राम जी की, जय राम जी की। अबे हाथ ना एक दे। ए भीख भैया जल्दी आज है। ये थानेदार तो बड़े कमाल के निकले। अरे जाती हूँ जाती हूँ, मगर सोचते हैं जाने से पहले इस गांव के लोगों को भी बुलाकर ये तमाशा दिखाई दूं। कमीने कम्मा। चलिए थानेदार साहब, इस बात के लिए आपस से मेरा सारा गुस्सा खत्म। चलो अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। चलो भीख भैया। थानेदार साहब, भेकू भैया की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। क्यों? ये भी भूल गए, कल रात इसने आप पर हमला किया था ना, मगर आपने तो इसे काबू में कर लिया था फिर छोड़ के दिया। अब क्या मारता बेचारे को? गूंगा तो है। गूंगा ये जन्म से नहीं था थानेदार साहब, गूंगा इसे बना दिया गया डाकुओं की मेहरबानी। डाकुओं की मेहरबानी? जी हाँ, कसूर इसका ये था, जब वो लोग इसकी जवान बीवी को जबरदस्ती उठाकर ले गए तो यहाँ से 25 मील दूर पुलिस चौकी में ये रिपोर्ट लिखवाने गया था। पुलिस ने कहा था वो जरूर कुछ ना कुछ करेगी, उन लोगों ने तो कुछ नहीं किया, लेकिन भरत ठाकुर ने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने की सजा जरूर दी। इस बेचारे की जबान काट दी गई, सिर्फ इतना ही नहीं इसका घर भी जला दिया गया और गांव वालों को भी धमकी दी गई थी अगर कोई भी इसकी मदद करेगा उसे मार दिया जाएगा। तब से भीखू भैया मेरे साथ ही रहते हैं, मुझे अपनी छोटी बहन की तरह प्यार करते हैं। आपको भर डाकू से डर नहीं लगता? आप मेरे बारे में इतना कुछ जानते हैं और ये नहीं जानते कि वो मेरे बाप के बड़े भाई हैं? हाँ हाँ, वो तो मुझे ठेकेदार ने बता दिया था, इसीलिए तो गुस्से में। एक बात याद रखिएगा, उनका हमारे साथ खून का रिश्ता जरूर है, मगर खून से प्यास बुझाना मेरे बापू का आदर्श नहीं था। अरे हाँ, आपकी सारी पुलिस को तो डाकुओं ने मार दिया, जब तक आपकी पुलिस नहीं आ जाती
आप क्या अकेले ही उनका मुकाबला करते रहेंगे? अकेला क्यों, भगवान और मेरा मजबूत इरादा मेरे साथ है, और फिर गांव वाले भी तो मेरी मदद करेंगे। भगवान शायद आपके साथ होंगे, मगर गांव वालों की मदद बिल्कुल नहीं थानी रहता। इस गांव में मर्दों की कमी है, सारे के सारे भरत ठाकुर और राहु महाराज के पले हुए कुत्ते हैं। चलो भिक भैया सुनिए, एक काम करिए, आप जाइए इसको जहां रहने दीजिए। क्यों? मुझे काम है बहुत जरूरी से। अच्छा आप समझी, ये आपकी मदद जरूर करेंगे, क्योंकि भिक भैया की दिल की आग आज तक बुझी नहीं। अच्छा भिक भैया मैं जाती हूँ, मगर ख्याल रखना, पुलिस में शिकायत करने पर जबान काट दी गई थी, अब पुलिस की मदद करने जा रहे हो कहीं गर्दनी। कुड़िया क्या, तो तुम्हारा नाम क्या है? हाँ तुम्हारा नाम राधा है ना? राधा जी आप बहुत बोलती हैं, पहले दिन भी मैं मतलब आप सुबह से बोले जा रही हैं। जयराम जी की थानेदार को आवाज तो लगा, रात भर बंधे बंधे बदन टूट रहा है। मेरा बदन नहीं टूट रहा है, मैं बिल्कुल आराम से हूँ। अरे नहीं बुलाएगा तो फिर मैं ही बुलाता हूँ। थानेदार सुबह सुबह ये कयामत कहां से आई, हाय हाय रे अंगड़ाई। रस में दुनिया भी है, मौका भी है। अरे हाँ तुम, अरे आई का है? अरे क्या नहीं है, है? अरे बच्ची तुम्हारा नाम क्या है? पुरवाई। पुरवाई, सुबह सुबह ये ईमान शिकन अंगलाई, समझ गया, तुम्हें रोटी कपड़ा और मकान चाहिए ना? मैं क्रांतिकारी हूँ, इनकलाब लाना चाहता हूँ, आओ मेरे साथ। थप्पड़ से ये सुबह सुबह ही है। बे बे बे। क्या वो बच्ची को मैं ड्रामे की रिहर्सल करवा रहा था। अगर शोर से खराब रहनी हो तो किस किस्म का झापड़ मारना चाहिए? कमबख्त ने बहुत जोर से मार दिया, आइंदा मिलूंगा। तुम लोग फिर क्यों आए हो? उस्ताद वो लड़की नहीं फंसी। नहीं फंसती तो फंसाओ। कैसे कैसे? पैसे पैसे। उस्ताद सब कुछ करके देख लिया, लेकिन वो शादी करने की राजी नहीं होती। नहीं होती, राजी नहीं होती है तो राजी करवाओ। कैसे कैसे? वो बीमार है ना, तो कुछ ईमानदारी इलाज करवाओ, डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर पहलवान जी, पहलवान जी, वहाँ जी भाई, इधर कोई जोगिंदर नाम का आदमी रहता है? ओ नाम चीण जोगिंदर, जिसके किसी जमाने में नाम के डंके बजते थे। ओ जोगिंदर। हाँ जी, हाँ जी, ओ जोगिंदर जो भटिंडे से टिंडों के 3 ट्रक लेकर बंबई में करोड़पति बनने आया था। ओ जोगिंदर। हाँ जी, हाँ जी, ओ जोगिंदर जिसके 2 ट्रक बिक गए, 1 ट्रक बाकी है। अब हाजी ने कहना ये लो, वो 1 ट्रक भी बिकने वाला है, वो ट्रक बेचकर वो सड़क पर आने वाला है, और किंग सर्कल पर सर्कल लगा लगा कर गाना गाने वाला है। बूट पॉलिश करवा लो बाबू। थूकू अबे। ओ मैं हूँ जोगिंदर। अरे जोगिंदर जी, आपकी आवाज कैसे बदल गई? ओ सपना जी, आप हुँ? ये जोगिंदर है? हाँ। ओ प्यार जी इधर इधर। ओ प्यार जी इधर, ये तो विजय साहब है। हाँ। सरकारी वकील। हाँ। आप इनसे मेरी सिफारिश कर दो कि जज साहब से मेरे हक में फैसला करा दें, कुछ ले दे के। देखो ऐसी बात मत करो, नहीं तो उम्र कैद हो जाएगी। उम्र कैद? ओ वो तो उम्र के साथ साथ चलती है, वो जानकी दास ही ठीक है, सिर्फ 12 साल की कैद करवाने वाला। और जोगिंदर तू तैयार नहीं? देख नहीं रे,
साढ़े जदार मेहमान आए ने, अरे मेरी भैन दे वास्ते। अल्लाह माशाल्लाह। ओ कल्हाड़िया की करो। मेरी वालों एक और। मेरी वालों।